स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं न्यू फ्रेशर जॉब अपॉर्चुनिटी जो है एसेंचर की ओर से। आपका यहाँ डेजिग्नेशन जो होने वाला है वो होने वाला है सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विस एसोसिएट की। और एक्सपीरियंस जो आपका यहाँ होने वाला है 0 से 1 ईयर 2 ईयर तक का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। और सैलरी रेंज की बात करें तो ये आपके लगभग लगभग 3,44,000 करीब होने वाला है। जॉब टाइप जो है ये आपका फुल टाइम होने वाला है। लोकेशन जो है वो होने वाली है आपकी पैन इंडिया। और बात कर लेते हैं यहाँ पे आपकी रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होने वाली है। तो जितने भी रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो क्लाउड रिलेटेड होने वाली है। क्लाउड के अंदर जो हम जितने भी ऑपरेशंस करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, वो आपका यहाँ पे काम होने वाला है। उसी के साथ ही आपको यहाँ पे एप्लीकेशन स्लैश क्लाउड का सपोर्ट देना पड़ेगा। कैसे हम मॉनिटर करते हैं क्लाउड के अंदर चीज़ें जितनी भी होती है, जितने डिफरेंट सर्वर्स होते हैं उनको हम मॉनिटर कैसे करते हैं, वो आप यहाँ पे देखने वाले हैं। और इसके लिए हमने भी एक प्रोमेथिसिस पे एक वीडियो बना रखी है, वो आप गो थ्रू कर सकते हैं। और उसके अंदर वो बड़ी ही सिंपल भाषा के अंदर हमने प्रोमेथिसिस क्या होता है, कैसे हम मॉनिटरिंग को पूरा हमारे क्लाउड के ऊपर करते हैं, वो हमने वहाँ पे समझा रखा है। बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो मिनिमम क्राइटेरिया यही है इनका कि वो नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और BSc, BCA, BBA, BA, BCom एक्सेट्रा इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। BE, BTech, ME, MTech वाले इसके लिए अप्लाई बिल्कुल नहीं कर सकते, राइट। और एनी ईयर ऑफ पास आउट टिल 2024, मतलब 2024 से पहले पहले जिन्होंने ये करी है डिग्री नॉन टेक के अंदर, तो वो इसके लिए एलिजिबल है। आपके पास कोई एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग ऑनबोर्डिंग। और इसी के साथ ही अगर बात करें, यू शुड हैव कंप्लीट योर रेलेवेंट डिग्री, ये आपके पास होनी चाहिए। हैंस देयर शुड नो गैप बिटवीन द कोर्सेज, तो आपके इसके अंदर कोई गैप नहीं होना चाहिए, जो कि एजुकेशन गैप हम बोलते हैं। ये सारी मोस्टली सारी कंपनीज में ही मांगा जाता है कि आपके इसके अंदर गैप नहीं होना चाहिए। और गैप है भी तो 1 से लेके 2 तक का रहता है, मगर यहाँ पे इन्होंने स्पेशली मेंशन कर रखा है नो गैप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर डिग्री, राइट। और कैंडिडेट शुड नॉट हैव अपियर फॉर एसेंचर रिक्वायरमेंट, और मतलब 3 महीने पहले पहले तक आपने एसेंचर के अंदर आपने इंटरव्यू या असेसमेंट में अपियर नहीं हुए हो, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसको आपको अप्लाई कैसे करना है। आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अगर आपके पास अकाउंट है तो वेल एंड गुड है, और तो आप लॉगिन से भी अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे आई डोंट हैव अकाउंट पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखने मिलेगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको कैसी पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करनी है, कैसा आपको नेम यहाँ पे देना है, राइट। और इसी के साथ ही आपको एक गवर्नमेंट आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। प्लीज़ क्लिक नेक्स्ट टू प्रोसीड, तो इस पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपके पास एक यहाँ पे फॉर्म खुल के आ जाएगा। जॉब रोल ये आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हम अभी अप्लाई कर रहे हैं सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विस एसोसिएट की। सोर्स के अंदर आप यहाँ पे लिख सकते हैं आपको जॉब बोर्ड से मिला है, एसेंचर रेफरल पोर्टल से मिला है, तो आप यहाँ पे रेफरल यूज़ कर लीजिए, राइट। और यहाँ पे रेफरल आईडी अगर आप देना चाहें तो वो रेफरल आईडी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसी के साथ ही आप यहाँ पे जॉब बोर्ड पे क्लिक कर सकते हैं। अब जॉब बोर्ड यहाँ पे अदर कर लीजिए, राइट, क्योंकि हम हमारे यहाँ पे स्पेसिफिक वीडियो लेके आ रहे हैं, तो ये तरीके से हो गया कि उनको सोर्स का पता पड़ जाता। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम देना है। याद रखिएगा जो भी पैन कार्ड के ऊपर नाम है आपका, वही आपको यहाँ पे नेम देना है। और अगर आपके पैन कार्ड के आपने अभी तक नहीं बनाया है तो ज़रूर से अपनी जो एक्नॉलेज जो आपके पास होता है, राइट, एक्नॉलेजशिप स्लिप जो होती है वो आपके पास होनी चाहिए। आप फटाफट अप्लाई कर दीजिए, राइट, पैन कार्ड के लिए, क्योंकि अगर आप जॉब के अंदर जाना चाहते हैं तो पैन कार्ड आज के टाइम पे मैंडेटरी हो गया है। तो आपको पहले फर्स्ट नेम देना है, फिर लास्ट नेम देना है, फिर आपका यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, आपकी मेल आईडी यहाँ पे देनी है, प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर देना है, व्हाट्सएप कंसेंट कि आपको चाहिए अपडेट या नहीं तो उसके लिए आप यस कर सकते हैं। आपको अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आप देना चाहे तो वेल एंड गुड है। आपको अपनी DOB लिखनी है, आपको यहाँ पे अपना जेंडर देना है, फिर यहाँ पे आपको रिसाइडिंग स्टेट देना है, यहाँ पे आपको फिर अपना एड्रेस दे देना है, और उसी के साथ ही आपको यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस देना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट थे या अंडर ग्रेजुएट। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अंडर ग्रेजुएट, तो ये डिग्री कॉलेज के बारे में सारी चीज़ें मांगेगा, वो आपको यहाँ पे अपनी दे देनी है।
और कुछ लोगों के होता है कि उनके परसेंटेज में होता है, कुछ के सीजीपीए में, तो आप यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन चूज कर सकते हैं और यहाँ पे आपने परसेंटेज दे देने हैं। फिर प्रोफेशनल डिग्री की हम बात कर लेते हैं, तो टोटल प्रोफेशनल डिग्री का आपका एक्सपीरियंस कितना है, राइट? प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लाइक कि आपने कहीं पे अभी काम कर रहे हैं, जैसे कुछ बंदे हैं कि 2020 में पास आउट हुए और अभी भी वो काम कर रहे हैं कहीं पे, तो वो यहाँ पे एक्सपीरियंस बता सकते हैं, राइट? उसके बाद आपने वर्क एक्सपीरियंस आप यहाँ पे बता सकते हैं, और वर्क एक्सपीरियंस मोस्टली वही लिखिएगा जो कि इंक्लाइन हो हमारी जॉब और रेस्पॉन्सिबिलिटीज से रिलेटेड, राइट? फिर स्किल्स डिटेल्स के अंदर आप यहाँ पे स्किल्स दीजिएगा, और अगर बात करें तो यहाँ पे क्लाउड के स्किल्स के लिए ही ये हायरिंग होने वाली है, तो प्राइमरी आप अगर क्लाउड रखना चाहे तो क्लाउड ही रखिएगा अगर आपके पास स्किल है तो, राइट? और ये स्किल आपने कहाँ यूज़ करी है तो आप बता सकते हैं, ट्रेनिंग में, जॉब एक्सपीरियंस में, कॉलेज प्रोजेक्ट में, तो यह इसको आप मेंशन कीजिएगा। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है तो ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं है तो मुझे एक बार कमेंट में बताइएगा ताकि हम उससे रिलेटेड कुछ वीडियोस अपलोड करेंगे, ताकि आपके सर्टिफिकेशन जो है वो आसानी से आप कर सकें। और जैसे ही सर्टिफिकेशन में क्या होता है कि बहुत से स्पॉन्सरशिप भी प्रोवाइड करी जाती है, तो जिसके अंदर आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाता है, तो उस पर भी हम एक वीडियो अपलोड कर देंगे, राइट? लैंग्वेज सर्टिफिकेशन, आपने कोई फॉरेन लैंग्वेज कर रखी है, आप यहाँ पे जॉब लोकेशन दे सकते हैं, तो जॉब लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। मोस्टली मोस्टली आपका नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया हो गया, साउथर्न हो गया, ईस्टर्न हो गया, और आपका वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ये पूरे ही आपके यहाँ पे कवर हो चुके हैं, राइट? और अदर डिटेल्स के अंदर के डिड यू कम्प्लीट योर रेलेवेंट डिग्री विद द स्टिपुलेटेड ड्यूरेशन, राइट? तो होता ही है, राइट? ये तो यस ही आपको क्लिक करना है, और नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे, राइट? और बात कर लेते हैं स्टैंडिंग बैकलॉग, कोई बैकलॉग चल रही है या नहीं, राइट? और हैव यू वर्कड इन एसेंचर और एनी इट्स एंटिटीज, तो ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं पे एसेंचर में ही अभी काम कर रहे हैं, या एसेंचर की कोई एंटिटी है, या एसेंचर ने कोई अपना प्रोजेक्ट किसी को दे रखा है, वहाँ पे तो आप काम नहीं कर रहे हैं, तो ये आपको यहाँ पे देख के चलना है। हैव यू अपीयर्ड फॉर एन असेसमेंट, इस 3 महीने के अंदर अंदर कहीं आप असेसमेंट के अंदर एसेंचर के किसी हायरिंग प्रोसेस में तो नहीं बैठे, राइट? तो आपकी नेशनलिटी क्या है वो आपको यहाँ पे दे देना है। हैव यू कम्प्लीटेड योर फाइनल ईयर, और फाइनल सेमेस्टर आपका हो गया है, राइट? ये है आपको एग्जामिनेशन डिटेल दे देना है। फिर मेन चीज़ है आपका सीवी का, तो सीवी के लिए हमने पहले टेम्पलेट डाले थे और आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, तो वो टेम्पलेट भी हम आपको शेयर कर देंगे, राइट? फिर आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है, फिर कोई भी एक गवर्नमेंट आईडी, और याद रखिएगा यहाँ पे पैन कार्ड जो है वो मैंडेटरी चीज़ है। तो अभी तक तो ये एप्लीकेशन, अभी कह सकते हैं कि ये अभी एप्लीकेशन ले रहे हैं, तो हो सके तो आज ही आप अप्लाई कर दीजिए, और वरना आगे भी जो अपॉर्चुनिटीज आएगी वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंडेटरी है कि आपके पास पैन कार्ड होना ही चाहिए। डिसेबिलिटी है तो वो आप यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, डिक्लेरेशन और कंसेंट आपको यस एग्री करके, और आपको एग्री करके यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे ही आप इस फॉर्म को सबमिट करेंगे, ये आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, राइट? तो ये था आज की जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में, और डिफरेंट डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटी हम आपके लिए लाते रहते हैं, और सब पे वीडियो बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो हमने हमारा एक ग्रुप शुरू कर रखा है, राइट? टेलीग्राम ग्रुप है, तो आप उसे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में इस जॉब अपॉर्चुनिटी का लिंक और मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैं आपको मेंशन कर दूंगा, ताकि आप एक बार गो थ्रू कीजिएगा और इसको अप्लाई कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।